हम अब 2020 को वेलकम कर रहे हैं, तो आज मैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करूंगी जिसको आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आप अपना देखेंगे कि हेल्थ आप गेन कर रहे हैं एंड इन टर्न बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और बहुत ही हेल्दी फिट फील करेंगे इस कमिंग न्यू ईयर में। सबसे पहले मैं बात करूंगी, आप कुछ भी आपका टारगेट है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ सेलिब्रिटीज, आप उनको फॉलो करते हैं एंड यू फील कि इस तरह का डाइट कर रहे हैं, कीटो डाइट्स कर रहे हैं, कुछ भी फैट डाइट्स कर रहे हैं, सो यार दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टाफ हु इज़ वर्किंग फॉर देम, सो यार वो गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए ताकि आप उसको अचीव कर सकें। देन उसके बाद वो इम्पॉर्टेंट है कि रियलिस्टिक गोल्स होने के साथ साथ उसका जो लाइफ है गोल की, आपकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मुझे अपनी शादी मेरी 2 महीने में है तो तब तक कुछ वेट लूज करना है और मैं किसी भी तरीके से करने को रेडी हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, आई हैव सीन माई क्लाइंट्स की वेट, जब वो शादी हो गई, वो जब ऑब्जेक्टिव आपका रीच हो गया जो जिसकी लाइफ बहुत कम थी, तो उसके बाद आप डबल पुट ऑन कर जाते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि मुझे हेल्दी चाहिए लाइफ, मुझे अब डिजीज़ फ्री रहना है ताकि मैं अपनी फैमिली का टेक केयर कर सकूँ, अपना टेक केयर कर सकूँ, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। उस तरह का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसकी एज खत्म नहीं होगी, वो शॉर्ट लिव नहीं होगा, आप जब तक हो उसकी तब तक रहेगी एज। तो आपका इस तरह का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर उसके बाद सस्टेनेबल आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेट अभी मुझे कुछ लूज करना है, अभी मुझे कुछ टारगेट अचीव करना है तो अभी कुछ भी मैंने क्रैश डाइट कर लिया, बाद में देखेंगे क्या होगा। सो यू हैव टू फॉलो सस्टेनेबल अप्रोच, जो भी जिस जैसे मैं भी डाइट्स देती हूँ क्लाइंट्स को, बहुत ही सस्टेनेबल होता है, आप प्रॉपर अपने घर के मील्स खाते हैं, रोटी ही, सब्जी, दाल, फ्रूट्स, पराठा, पोहा, इस तरह के मील्स खा के आप वेट लूज करते हैं, आप आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकेशन फ्री होते हैं, आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, तो वो उस तरह से आप करते हो तो बाद में भी मेंटेनेंस लेवल भी बहुत इजी रहता है मेंटेन करना। बाद में ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा आप डबल पुट ऑन कर लोगे वेट या फिर आपको फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो उसके भी लॉन्ग टर्म रेपरकशंस रहते हैं। तो बहुत ही सस्टेनेबल आपने अप्रोच यूज़ करना है, जो भी आप चीज़ अभी कर रहे हो, जो डाइट पे हो, जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसको अपना लाइफस्टाइल बना सकते हो, तो वही चीज़ करनी है। तो फर्स्ट चीज़ वो है, क्योंकि आपका अगर गोल इस तरह का रियलिस्टिक होगा जिसकी लाइफ ज़्यादा है, जो सस्टेनेबल गोल होगा, तभी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। देन उसको अचीव करने के लिए इट इज़ देयर इज़ अ सेइंग कॉल्ड कि बॉडी इज़ नॉट मेड इन द जिम विच यू यूजुअली फील, इट इज़ मेड इन द किचन। तो आपका किचन हेल्दी होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट करता है कि आप कितने हेल्दी हैं इन टर्न। तो आपके किचन में जो भी प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है, जो भी फ्रोजन फूड आइटम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत ही शुगरी फूड आइटम्स हैं, आप अगर लेके आते हैं रिफाइंड आइटम्स हैं, मैदा है, तो वो अपने किचन से आपने एलिमिनेट करनी है। जो भी प्लास्टिक्स है वो एलिमिनेट करना है, ये सब चीज़ें आपने एलिमिनेट करनी है, तो हेल्दी चीज़ों से उसको रिप्लेस करना है। आपके किचन में होल ग्रेन्स होने चाहिए, आपके किचन में फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो आपने अपनी ग्रोसरी अगर अनहेल्दी है तो उसको हेल्दी करना है, बिकॉज अगर वो हो गया मोर देन हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। तो आपको हेल्दी फूड आइटम्स अपने किचन में स्टोर करने चाहिए, ये आपका एजेंडा होना चाहिए दिस ईयर। तो आप अगर वो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि चेंजेस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और आप हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके अंदर, और आपका प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। देन नेक्स्ट थिंग, आपको अपनी स्लीप पे फोकस करना चाहिए, जिसको हम बहुत ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन क्वालिटी स्लीप। जो आपकी डेल्टा स्लीप होती है, जब आप डीपेस्ट स्लीप में होते हो, वो 10:30-11 रात को उसके अराउंड आता है, तो वही टाइम है कि हम सो नहीं रहे होते हैं, और क्योंकि हम उसको हम प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं तो तभी हम वो सारे इश्यूज फेस करते हैं बिकॉज ऑफ आ पुअर लाइफ स्टाइल। तो आपको टाइमली स्लीप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका कोई इस तरह का स्लीप रूटीन होना चाहिए रोज रात को कि आप एक टाइम पे सो रहे हैं, एक टाइम पे जाग रहे हैं, तो उस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना एक हेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी है। और आप अगर प्रॉपर स्लीप है तो यू सी जो हमें इश्यूज होते हैं कि सुबह उठ के पफी आईज या डार्क सर्कल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स कुछ यूज करने की नीड नहीं है, नेचुरली ही वो आपकी स्किन ग्लो करती है एंड यू फील एक्टिव थ्रू आउट द डे। आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता, वैन यू वर्किंग द नेक्स्ट डे यू फील आपका कॉन्सेंट्रेशन रिटेंशन ज़्यादा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्लीप प्रॉपर हो, क्योंकि आप टाइमली अगर सो रहे हैं, हेल्दी वे में सो रहे हैं, तो आपका मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑफकोर्स खाने में भी कुछ आइटम्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपका लाइफ स्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तभी आप सुबह मॉर्निंग में उठ सकते हैं। अदरवाइज इस विंटर सीजन में हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं। स्लीप के साथ साथ ही कनेक्टेड मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है एक्सरसाइज। आजकल
हमें लगता है सर्दी का टाइम है, इट्स फॉगी, ये सब एक्सक्यूजेस रहते हैं, बट यार फ्रेंड्स गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा हुआ है, सो नो मैटर वॉट यू विल नेवर फील कि ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं है. हम कुछ भी हो जाए, सर्दी है या कुछ भी है, हम खाना जरूर खा रहे हैं, तो हम सब चीज़ करते हैं, सो वाई नॉट डू एक्सरसाइज ऑल्सो. आप चाहे दिन का वो 15-20 मिनट ही निकाल रहे हैं, ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, लेकिन वो करना ज़रूरी है. आप ऑफिस में भी हैं, अगर कई लोग बोलते हैं बहुत हेक्टिक वर्क शेड्यूल है, तो आप लंच के बाद भी, आजकल ऑफिस में भी कल्चर हो गया है कि आप लंच के बाद वॉक के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे भी हैं आपको अपने सबॉर्डिनेट को, अपने ऑफिस में कुछ भी आपको मेल करनी है, उसकी जगह आप मेल यूज करने की जगह आप उनके वहां तक केबिन तक जाके मूव करो, 5 मिनट्स का रास्ता है, मूव करो, यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, ये सब छोटे छोटे आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली यू फील अ ग्रेट चेंज. और जस्ट इंश्योर, आजकल तो एप्स भी होती हैं, आप 10,000 स्टेप्स जरूर टिक कर रहे हो दिन के, यू विल फील कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, एंड उसको आप प्रायोरिटाइज करते हो तो आपका डाइट का रूटीन भी बेटर चलता है. अदरवाइज आप सोचते हो एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही, चलो तो देन डाइट ऑल्सो गोज फॉर अ टॉस कि अच्छा अब ये भी खराब हो गया, चलो डाइट को भी रहने ही दो, सो देन इट पाइल्स अप, इट एड्स ऑन टू दैट. तो एक्सरसाइज को प्रायोरिटी जरूर देना है, और जब आप खाना खा रहे हैं जस्ट इंश्योर दैट यू डूइंग माइंडफुल ईटिंग, यू आर जस्ट नॉट ईटिंग फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, आप ध्यान लगा के खा रहे हो, यू आर नॉट डूइंग मल्टी टास्किंग, क्योंकि आजकल बहुत फास्ट पेस लाइफ हो गया, हमारे एक टिक पे एक ऑर्डर पे सब चीज़ आती है, इट्स देयर ऑन अ फोन, तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के लिए टाइम नहीं है कि हम बहुत चीज़ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ईटिंग, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड, यू च्यू योर फूड प्रॉपरली, और आप उसको 15 मिनट जो आपने अपना मेल मील खाना है वो है, बीच के मील्स हैं, आप सब पे टाइम दे रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, एंड अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज वी हैव मेनी एक्सक्यूजेस कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ये करना है, तो खाने को हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं कि टाइम मिलेगा तो फिर देख लेंगे, चाहे वो अब लंच करने का टाइम नहीं मिला, मीटिंग से फ्री होंगे क्योंकि हम ऑफिस में हैं तो 4 बज रहे, 5 बन रहे, इवन क्रिएट दैट एनवायरमेंट फॉर द पीपल अराउंड यू कि ये इंपॉर्टेंट है, चलो हम अब मीटिंग है, अब थोड़ा निकलते हैं, अब खाकर आते हैं हम, तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर इन्फ्लुएंस अदर्स ऑल्सो टू मेक दैट चेंज. तो वो इनिशिएटिव आप लेंगे, यू विल फील कि हाँ वो सब जगह पे पॉसिबल है, बट क्योंकि हमने इसके बारे में सोचा नहीं, वी फेल्ट देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट, तो हमें वो सब लगता है कि पॉसिबिलिटी है नहीं, बट या देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. तो अपना और अपने पोर्शंस पे ही तभी ध्यान रहेगा जब हम टाइमली खा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं और वॉचफुल ईटिंग कर रहे हैं, और आप साथ साथ ये नहीं कि आप साथ साथ लैपटॉप पे हो, टीवी देख के खा रहे हो, सो इन्जॉय द फूड, इन्जॉय द अरोमा ऑफ फूड, तो तभी आपको उसकी नेसेसिटी पता चलेगी कि क्यों रेलेवेंस है कि आप टाइमली खाना खा रहे हो अपना, और आपको पता चलेगा कि कितना खाना है. नो बडी हैज़ टू गाइड यू दैट वेन यू हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग. देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने के साथ साथ पानी का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. विंटर्स होता है, कई बार हम भूल जाते हैं, वी कन्फ्यूज थर्स्ट विद हंगर, और हमें लगता है बार बार भूख लग रही है, चलो अब ये खा लेते हैं, चलो अब चिक्की खा लेते हैं, ये मीठा खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं, तो उसकी जगह पे आपको पानी पीना है. यू जस्ट हैव टू इंश्योर दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड, अदरवाइज आप देखते हो ब्रेकआउट्स हो रही है, स्किन में ड्राइनेस हो रहा है, आपके चैप्ड लिप्स हो रहे हैं, यू फील व्हाट टू डू फॉर दैट, आपको प्रोडक्ट्स लेने के लिए, कॉस्मेटिक्स लेने के लिए एक्सपेंसिव भी रेडी हो जाते हैं. जस्ट इंश्योर दैट यू आर वेल हाइड्रेटेड, क्योंकि आप अगर पानी प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो आपकी स्किन ल्यूब्रिकेटेड नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग फ्रेश फ्रॉम विद इन, तो तभी वो सब इश्यूज होते हैं आपके जॉइंट्स पे भी. आप देखेंगे सर्दी में भी मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं, एट द एज ऑफ 30 ऑल्सो यू फील कि हाँ मुझे स्टेयर्स चढ़ने में घुटने में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि एक तो हमारा एक्सरसाइज रूटीन प्रॉपर नहीं है, प्लस ल्यूब्रिकेशन भी प्रॉपर नहीं होता है आपके जॉइंट्स के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी, हर चीज़ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए पानी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो सिग्नल कि पानी आप कितना लें, दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो यूजुअली 2 to 3 liters आप लें, ताकि इवनिंग तक आपका जो यूरिन है उसकी पहचान ये है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, दैट मीन्स यू आर हैविंग एम्पल सफिशियंट वाटर. देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गैजेट्स पे जाता है, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि कितना हम टाइम बिना बात की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, विच इज़ यूजलेस, तो वो आपको अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए. हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो डिटॉक्स डे हो, जैसे हम खाने में कई बार सोचते हैं कि मैंने अच्छा बाहर का खा लिया आज मैं डिटॉक्स करूंगा, सो या दैट्स वेरी वेल इंपॉर्टेंट
कि आप कुछ गैजेट फ्री डे भी ऐसा कुछ सोचे वीकेंड में है, जो आप सिर्फ फैमिली के टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप बच्चों को लेके भी जा रहे हो, तो आप ऑर्गेनिक फार्म्स दिखा रहे हो, आप उनको कुकिंग का भी पता चले कि कैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रो होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं फैमिली को भी, ना कि बच्चे भी गैजेट्स पे ही हैं, टीवी पे हैं, तो वो स्क्रीन टाइम लिमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू सील फील कि आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस, आपकी हेल्थ में चेंजेस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, एंड यू एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, ऑन योर फूड, पर्सनली ऑल्सो, ऑन योर फैमिली फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, सो ओवरऑल आपका रिलेशंस भी पर्सनली भी बेटर होने लगते हैं। एंड या ये सब हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी कि आप क्या करते हैं तो जिससे आपके लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, इसके साथ साथ आपकी बॉडी अगर हेल्दी है, फिट है, एनर्जेटिक है, एक पीसफुल माइंड होना, पॉजिटिव आउटलुक होना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात को सोने से पहले एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं, जिसमें कि कई बार हमें लगता है कि आज बहुत ही चैलेंजिंग डे था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कुछ भी ऐसे अनप्लेजेंट मोमेंट्स भी हुए, बट या इफ़ यू मेक दैट ग्रैटिट्यूड लिस्ट, आप रात को उसको सोने से पहले अगर तीन भी चीज़ें सोचेंगी क्या क्या अच्छा हुआ, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर, सो यू विल फील वो तीन से ज़्यादा भी निकल के आएंगी, सो यू फील हेल्दी अबाउट इट कि हाँ ये मुझे अच्छा फील करा रहा है, पर्सनली मेंटली यू फील हेल्दी अबाउट इट, तो आपका ऑटोमेटिकली आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव हो जाता है। एंड या इट्स ऑल इन योर माइंड, माइंड इफ इट इज ओवर पावरिंग यू इन अ हेल्दी वे कि उस तरफ डायरेक्शन आ रहा है, सो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट, यू हैव अ ग्रेट डेडिकेशन एंड विल पावर, अदरवाइज इट कैन पुल यू डाउन ऑल्सो। सो फ्रेंड्स आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है और आपको ये टिप्स कितने यूजफुल लग रहे हैं आप और आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स।